ये पैसों को लेने का मामला है। जो 6-5 सदस्य है BDC उसके पास मेरे कुछ पैसे उधार हैं, जिसमें मैं कई दफ़ा मांगने वास्ते गया। उनकी शिकायत में मैंने कि कप्तान साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ, SP देहात के यहाँ भी और थाने की, मगर इतनी शिकायत के बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और इतने दबंग, इतने ख़तरनाक आदमी हैं जिसमें कि उनका मेरे सैनिक विधायक साथ उठना बैठना पड़ गया है, ठीक। और उन्होंने बदतमीजी कर ली मेरे साथ कि जान से मारने धमकी देने लगे, और पैसे तो बहुत दूर की बात देने की, बार बार तंग कर रहे। मैं मजबूर हो गया अब से, क्योंकि थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बार बार थाने 3 महीने का लगातार जा रहा, जिसमें कि मेरी फुटेज भी थाने के अंदर है मेरी, जिसमें 3 महीने से लगातार जा रहा हूँ। सुबह शाम, कभी सुबह कभी शाम बुला रहे मुझे वहाँ, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं। का जो माहौल है, दबंगों का माहौल है यहाँ, मेरा परिवार सिर्फ अकेला परिवार है। यहाँ सैनिक समाज की पैंट पकड़ बड़े मजबूत है, इसी काम के मकान बेचना पड़ रहा। मैं शांति माहौल जाना चाहता हूँ। यह प्रकरण ग्राम डाडवा थाना बेहट के अंतर्गत का है, जहां संजय पुत्र मामचंद ने अपने घर के बाहर पलायन संबंधी एक पोस्टर लगाया है। इस प्रकरण की जांच की गई तो पाया गया कि संजय का विपक्षी सचिन से पैसों के लेन देन संबंधी विवाद है, पलायन संबंधी आदि ऐसी कोई बात नहीं है। मात्र अनावश्यक दबाव बनाने के लिए उसने अपने मकान पर इस तरह की बातें लिखी है।